2025 में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। रोहित और विराट साथ में खेलेंगे एक ही टीम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1275वां एपिसोड। आज 1 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2025 को लेकर दिनभर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भैया देखो, मेगा ऑक्शन हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो या 2025 का आईपीएल हो, तमाम रिपोर्ट अभी से ही देना हमने शुरू कर दिया है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो के, दिनभर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये रिपोर्ट रविंद्र जडेजा के हवाले से निकल कर आ रही है। मैंने कल ही दोस्तों वीडियो में बोल दिया था कि विराट और रोहित के बाद अब अगला नंबर जडेजा और मोहम्मद शमी का है, और जब हमने ये वीडियो बनाई थी तभी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं थी। कल शाम तक खबर ब्रेक हो गई, रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो रोहित और विराट के बाद अब जडेजा भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था, विराट, रोहित, जडेजा और शमी, ये चार प्लेयर्स आपको T20 से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे नए कोच साहब आने वाले हैं मिस्टर गौतम गंभीर द ग्रेट, वो कह रहे हैं कि ये चारों खिलाड़ी T20 क्रिकेट में फिट नहीं होते, इन्हें रिटायर करो तो ही मैं कोचिंग करूंगा। तो एक व्यक्ति जो कि कोचिंग का कोई बहुत लंबा अनुभव रखता नहीं है, उसे कोचिंग देने के लिए, कोचिंग पद देने के लिए BCCI हमारे महान खिलाड़ियों को रिटायर कर रहा है। सीधी भाषा में बोलूं तो देखो यार, मैं दूसरे लोगों की तरह घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, मैं बात करूंगा सीधी। सीधी बात यही है कि रिटायरमेंट हुआ नहीं है, जबरदस्ती कराया गया है। मैं अभी भी मानता हूं कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप ये दोनों प्लेयर्स, स्पेशली जडेजा भी, ये तीनों प्लेयर्स खेल सकते थे। बाकी उस पर आप अपनी राय जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर भैया निकल कर आ रही है दिनेश कार्तिक के हवाले से। आईपीएल से रिटायरमेंट लेने के बाद आरसीबी की टीम में दिनेश कार्तिक को एक नया रोल मिल गया है, क्योंकि कल आईपीएल 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आरसीबी की टीम से निकल कर आई है। दिनेश कार्तिक को आरसीबी का बैटिंग कोच और मेंटोर नियुक्त कर दिया गया है 2025 के आईपीएल के लिए। 2025 के आईपीएल से पहले एक मेगा ऑक्शन होने वाला है और दिनेश कार्तिक का रोल टीम बिल्डिंग का रहेगा। आपको बता दूं कि दिनेश कार्तिक कोई कम अनुभवी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेला ही नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक इन्होंने KKR की कप्तानी की हुई है। तो ये आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, बड़ी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, हालांकि सफल उतने नहीं रहे थे, लेकिन एक नया रोल आरसीबी की टीम में मिला है। जाहिर है विराट कोहली से क्लोजनेस रही, आरसीबी के साथ लॉयल्टी रही दिनेश कार्तिक की। कितने करोड़ में ये डील हुई है क्लियर नहीं है, लेकिन रिपोर्टेडली 2 से 5 करोड़ के बीच दिनेश कार्तिक को मिलेंगे, फिगर अभी आउट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात करते हैं। तो भैया रोहित शर्मा ने कल अपने रिटायरमेंट पर एक जो बात कही वो हर एक क्रिकेट प्रेमी को परेशान कर गई, रुला गई। रोहित कह रहा है, आई एम नेवर थॉट दैट आई वुड रिटायर फ्रॉम T20s, बट द सिचुएशन इज सच। भाई इन्होंने हिंट में ही सही ये बात बोल दी, क्योंकि देखो एक तरफ इन खिलाड़ियों के अंदर खुशी तो है कि ये वर्ल्ड कप जीते हैं, इन्होंने वो कारनामा किया है जो शायद 13 साल तक 17 साल तक हुआ नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर, ये बड़े खिलाड़ी रोहित विराट के अंदर, ये टीस जरूर है कि इन्हें रिटायर किया गया। रोहित ने भी यही कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बनी कि मुझे रिटायर होना पड़ा। सिचुएशन इनका क्या तात्पर्य है आप सबको पता है, BCCI ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, जानबूझ कर इनको रिटायर कराया, और ये दुख की बात है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। बेशक कल या परसों हमने वो 2 दिन पहले वो बातें नहीं करी, कल हमने वो बात नहीं करी, लेकिन आज सवाल बनता है, बातें बनती हैं कि भैया आखिर क्या हो गया था ऐसा इन दोनों खिलाड़ियों में, ऐसी क्या कमी थी कि आने वाले 2 सालों तक BCCI इनको झेल नहीं पा रहा था। क्या ये दोनों प्लेयर्स इतने ताकतवर थे कि BCCI अपनी चला नहीं पा रहा था? क्या टीम इंडिया में अब राजनीति चलेगी? क्या पॉलिटिक्स के दम पर अब भारतीय क्रिकेट टीम चलेगी? क्या गौतम गंभीर एक पपेट है और पीछे BCCI का हाथ है? सवाल कई है, और रोहित ने भी इसी और इशारा किया है। रोहित शर्मा को सिस्टमेटिक रूप से कमजोर किया गया है पिछले 6 महीनों में, अलग अलग फॉर्मेट में कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई, उसके बाद हमने IPL में देखा मुंबई इंडियंस की कप्तानी इनसे ली गई, वर्ल्ड कप जिताकर रोहित ने अपने आप को प्रूव कर दिया, बता दिया कि शायद वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में फिर बोल रहा हूं, इनका यह बयान बताता है कि रोहित और विराट के साथ सही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, किसने किया है, आगे इसी वीडियो में पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, आपसे बात करते हैं। BCCI देगा 125 करोड़ रुपए भारतीय टीम के सभी मेंबर्स को। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप की जीत के बाद एक प्रथा है पूरी दुनिया में कि जो क्रिकेट बोर्ड होता है, इवन गवर्नमेंट होती है, वो खिलाड़ियों को फंड्स, पैसे देती है। एक जमाना था 1983 के आसपास जब भारत जीता था 83 में, उस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, फिर भी काफ़ी अच्छे पैसे दिए गए थे वर्ल्ड कप जीत के बाद।
अब जमाना बदल चुका है, अब ऑलरेडी प्लेयर्स को अच्छा मिलता है। 125 करोड़ रुपए पूरे टीम मैनेजमेंट को दिए हैं बीसीसीआई ने, ज्यादा भी दे सकती थी बीसीसीआई, लेकिन 125 करोड़ दिए। ये पैसा सभी टीम मेंबर्स में, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ के मेंबर हो, चाहे वो कोच हो और चाहे वो प्लेयर्स हो, सब में बराबर बांटा जाएगा। तो खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हो तो आपको सीधा सीधा अनाउंसमेंट करना था कि टीम इंडिया के प्रत्येक मेंबर को हम 20-20 करोड़ रुपए देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात थी, इसमें कोई खराबी थी। आप ब्रॉडकास्टर्स को पैसा देते हो, आप तमाम लोगों को पैसा देते हो, आपके खिलाड़ी को वर्ल्ड कप जीत का 20 करोड़ नहीं दे सकते थे क्या भाई? दे सकते थे, ईजी दे सकते थे। दुनिया भर में इतने स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बहुत बहुत पैसा खिलाड़ियों को मिलता है। अब 125 करोड़ रुपए पूरी टीम सपोर्ट स्टाफ मेंबर में बचेंगे बटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग शायद 40 मेंबर का कॉन्टिजेंट है पूरे भारत का, जिसमें अलग अलग फिजियोस है, सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, मैनेजमेंट के लोग हैं, 40 मेंबर है खुद और 15-20 हमारे प्लेयर्स हैं 17। तो कुल मिलाकर ये भैया एक हिस्से में कितना आएगा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं पांचवीं रिपोर्ट की, आपसे बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आई है। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के बाद वही बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया जो हमने कहा था। उन्होंने कहा कि वो ODI क्रिकेट और IPL खेलते रहेंगे। तो IPL फैंस के लिए खुशखबरी है, रोहित शर्मा हमें IPL खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सवाल ये उठ रहा था जब पिछले साल 2024 का IPL हुआ था, तब बहुत सारी खबरें ऐसी थी कि रोहित अगर मुंबई से कप्तानी नहीं करेंगे या मुंबई से निकलेंगे जो रिलीज होने वाले हैं, वो तो शायद वो IPL से भी रिटायरमेंट ले ही लेंगे क्योंकि अगली टीम में वो जाना नहीं चाहते। लेकिन ये रिपोर्ट रोहित शर्मा ने खंडन किया इसका और बताया कि वो IPL खेलते रहेंगे, विच इज अ गुड न्यूज। देखो 2025 का IPL अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि रिटेंशन की प्रोसेस होगी 2 महीनों में, फिर नीलामी होगी 3-4 महीनों में। तो ये सारा कुछ हम कवर करेंगे हमारे पेज पर, टेलीग्राम पेज पर, 70,000 लोग परिवार के साथ। प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपको मजा जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आई भैया। गौतम गंभीर ने रोहित कोहली के रिटायरमेंट को सही ठहरा दिया। उन्होंने कह दिया प्रॉबेबली बेटर देन एनी स्क्रिप्ट दैट वॉज रिटन। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट कोहली ने सही समय पर संन्यास ले लिया है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम था, वर्ल्ड कप जीते थे, रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो आपको रिटायरमेंट के लिए एक अलग से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती और आपको रिटायर करना पड़ता। कुल मिलाकर गंभीर ने एक तरह से शुभकामनाएं देते हुए भाई वार किया। गंभीर की चिड़ विराट कोहली से कोई पुरानी नहीं है और ये कोई छुपी हुई नहीं है किसी से, बेशक अब दोनों एक साथ अच्छे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो कहा है ना गौतम गंभीर ने इन दोनों के रिटायरमेंट पर, ये बताता है कि ही इज ओके विद द बोथ प्लेयर्स रिटायर हुए हैं। इससे गौतम गंभीर काफी ओके है, उनको अच्छा है कि चलो अच्छे रिटायर हो गए, और कह रहा है कि सही समय पर आप रिटायर हुए। वो गौतम गंभीर जो एंड तक कहता रह गया कि भैया बड़े प्लेयर्स को सम्मान नहीं मिला, वो गौतम गंभीर जो खुद 37-38 साल तक क्रिकेट खेलता रहा, वो गौतम गंभीर 35 साल के एक व्यक्ति के रिटायरमेंट पर कह रहा है कि भैया सही हो गया है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, क्या है पूरा माजरा, पर्दे के पीछे क्या चला है, क्या दबाव था विराट और रोहित पर रिटायरमेंट का T20 क्रिकेट से, ये क्लियर कट दिख रहा है भाई। इसमें आप कोई छुपी ढकी बात नहीं है और काफी सारी बातें आगे एक चीज और बताऊंगा जो हुई वर्ल्ड कप वाले दिन, जो शायद सचमुच सोचने वाली है। तो बने रहिए चैनल के साथ। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की हम बात करते हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा का रीयूनियन हो सकता है। ये दोनों की जो करिश्माई जोड़ी है ये हमें IPL में भी दिख सकती है। रिपोर्टेडली दोस्तों 40 साल के हो गए हैं 5-2+। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ हमें RCB की टीम में दिख सकते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को तलाश है नीलामी में हमने नए कप्तान की। और वो नया कप्तान कौन हो सकता है, वो नए कप्तान रोहित शर्मा हो सकते हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा नीलामी में जाएंगे, टीम उनके पीछे पैसा लगाएगी, एज ए कैप्टन उनके पीछे काफ़ी बड़ा स्टेक होगा और शायद RCB की टीम भी वो हो। और अगर ऐसा होता है तो शायद RCB आपको पूरी बदली नजर आए। और जो हमने वर्ल्ड कप में देखा विराट रोहित की जोड़ी हमें IPL में RCB के हवाले से ओपन करते हुए नजर आए, तो सारे तारे सितारे और हिंट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा RCB में जा सकते हैं। लेकिन यार बात वही है, नीलामी में जाएंगे तो टीमें सारी बिडिंग करेगी। लखनऊ भी इंटरेस्टेड रहेगी रोहित शर्मा में, पंजाब किंग्स की टीम भी इंटरेस्टेड रहेगी, हैदराबाद की टीम भी इंटरेस्टेड रहेगी। तो मजा आएगा रोहित की बिडिंग देखने में। बट हो सकता है RCB के साथ एक प्री डील
हम देखें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों टीम इंडिया के नए कप्तान के हवाले से निकल कर आ रही है। T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब भारत को नए कप्तान की तलाश रहेगी। चार प्लेयर्स इस समय दौड़ में है, जिनमें से किसी एक का चयन भारत के नए कप्तान के रूप में होने वाला है। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ये वो चार खिलाड़ी है जिनमें से किसी एक को फिक्स किया जाएगा भारत के T20 कप्तान के रूप में। अब दो साल है 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत को खेलना, और इस बीच एक नई टीम बनानी पड़ेगी जिसमें रोहित शर्मा की जगह पर एक फिक्स खिलाड़ी को बैठाना पड़ेगा, विराट कोहली की जगह भरनी पड़ेगी। आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया BCCI जो है वो रोहित कोहली के रिटायरमेंट पर गंभीर के साथ है। रिपोर्टेडली गंभीर ने जो एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने शर्तें रखी थी उसको BCCI ने डिनाई नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज, BCCI ने टूर्नामेंट से पहले रोहित और कोहली से पूछा था कि आप कब रिटायर हो रहे हो। अब ये आप सोच लो कि क्या चल रहा है माजरा में। जैसा कि मैंने कहा कि गंभीर खुद नहीं आए हैं कोच बनने के लिए, गंभीर को एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के जरिए कोच बनाया जा रहा है। जैसे भारत की BCCI का जो प्रेसिडेंट था अभी तक हम देखते थे सबसे मजबूत रहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि भैया प्रेसिडेंट हमेशा एक खिलाड़ी होना चाहिए, पूर्व प्लेयर होना चाहिए। राइट नाउ बता दो भाई, आपको क्या पता है कि भारत का प्रेसिडेंट कौन है? आपको सिर्फ यही पता है कि जय शाह सर्वे सर्वा, जो कि BCCI के सेक्रेटरी है। तो चीजें अब किस तरफ जा रही है हमें पता है, अब जो ताकत है वो किसके हाथों में जा रही है हमें सब पता है। और गंभीर जो है वो एक सीधा उदाहरण है कि कोच के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिसकी बात सर्वे सर्वा हो और कप्तान की भी ना चले, कोच जो बोलेगा वो होगा टीम में। जैसा हम KKR में देखा कि श्रेयस अय्यर कुछ नहीं थे, जो सारा श्रेय मिला KKR की जीत का हम सबको पता, गंभीर को दिया गया। ऐसा लग रहा था कि गंभीर खुद खेल कर आया पूरा टूर्नामेंट। तो वही चीज करने की अब तैयारी आने वाले 5 सालों में लगातार मैं बोल रहा हूं BCCI में होगी, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय जो दिया जाएगा वो कोच साहब को, गंभीर को दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं टीम का सिलेक्शन किस तरह से होगा, टीम में चलेगी किसकी, और टीम में जिसकी चलेगी प्लेयर वो बनाएगा, बड़ा खिलाड़ी ब्रांड वो बनाएगा, पैसा वो बनाएगा, सारी चीजें पैसे के इर्द गिर्द है। और हिंदुस्तानी क्रिकेट का अच्छा खासा नुकसान आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान सेंट्रिक रही है, चाहे वो कपिल देव के जमाने से रही हो, चाहे उसके बाद सौरव गांगुली का उदय हुआ हो, चाहे उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का उदय रहा हो। धोनी बहुत ताकतवर थे, फिर फैसले लेते थे। विराट कोहली हुए तो विराट कोहली ताकतवर थे, और अब रोहित शर्मा के पास ताकत थी, लेकिन आगे शायद ऐसा हमें होता हुआ ना देखें, विच इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिंदी साहब ने भी बड़ी बात कही रोहित कोहली के रिटायरमेंट पर। कहा, देयर इज सो मच टैलेंट इन IPL बट इट टेक टाइम टू ब्रिज द गैप। बहुत टैलेंट है IPL में, लेकिन इन दोनों की जगह भरने में समय लगेगा। सवाल तो ये नहीं उठता रॉजर बिंदी साहब, सवाल ये उठता है कि जब ट्रॉफी दी जा रही थी वहां पर वेस्ट इंडीज में, तब रॉजर बिंदी कहां थे? इतिहास क्या कहता है, बातें क्या कहती है कि भाई कोई किसी क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी या कोई दूसरा सदस्य या IPL का हेड कोई ट्रॉफी नहीं देगा वहां पर वर्ल्ड कप की? BCCI का प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता, उसे ट्रॉफी देने थी। 2011 में भी यही हुआ, उससे पहले जहां जहां हुआ सब ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग हमें देखने को मिला, जय शाह ट्रॉफी दे रहे थे। तो समझ सकते हो आप कि क्या हो रहा है, कि भाई एक जो प्रेसिडेंट आपने बिठाया हुआ है रॉजर बिन्नी, उनके पास कितनी ताकत है आज की डेट में, अब सब समझ में आ रहा है। और ये चीज हिंदुस्तानी में, फिर बोल रहा हूं दोस्तों, कि इंडियन क्रिकेट के लिए नुकसान होगी, क्योंकि हमारे लेजेंड्स को रिटायर किया गया है इनके द्वारा, विच इज नॉट गुड। भाई क्रिकेट इन्होंने चलाया है हिंदुस्तान का। बाकी आप इस पर अपनी राय लिखो, ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों नीचे हिट करके बेल आइकन